का मुद्दा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे को लेकर, जिस समय कोरोना काल चलते लगभग काफी लोग परेशान नजर आ रहे हैं, उस समय नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई चल रही है। हालांकि नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई काफी लंबे समय से चल रही है, अवैध कब्जों को लेकर चल रही है, अतिक्रमण को लेकर चल रही है, लेकिन अभी जो कल कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण ने की है, सेक्टर 22 रघुनाथपुर चौड़ा गाँव में एक बारात घर के पास में नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी, जिस समय वहाँ पर लगभग जो काफ़ी लोग जो थे, जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी अपने घर बनाए हुए थे, वहाँ पर उनके लिए घर तोड़ने की कार्रवाई की थी। उसी के जस्ट बराबर में गौशाला की जमीन पर बीजेपी नेता ने एक ने मकान बनाकर उस जगह पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन उस विषय को लेकर हमारी आज की मुद्दा की टीम वहाँ पर जो गए नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता करने की कोशिश हमारी टीम ने की, वहाँ पर जो जेई थे और लेखपाल थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए वहाँ से मना कर दिया कि हम इस विषय पर कुछ नहीं कह सकते, जब तक कोई भी आगे से अधिकारी आदेश नहीं देंगे तब तक वहाँ पर कोई तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए उन्होंने सब इस बात को कह दिया कि इस पर जवाब रितु माहेश्वरी जी देंगी, आप उनसे बातचीत कीजिए। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण की एक तरफा कार्रवाई को लेकर जो लोग नाराज हैं, उसमें हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील चौधरी से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि नोएडा प्राधिकरण आखिरकार गरीबों को ही क्यों तंग करता है, आखिरकार सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करता। इधर नोएडा प्राधिकरण ने कल 12 बाई चौड़ा गाँव सीटों बराबर के सामने अवैध कब्जा जो किए हुए थे सरकारी जमीन पर, नोएडा प्राधिकरण वहाँ पर हटाने की कार्रवाई करता है, लेकिन गौशाला की जमीन पर एक बीजेपी नेता ने मकान बना रखा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, कहना कि हम पहले भी कहते आए हैं, बीजेपी सरकार हमेशा जो है अमीरों की सरकार, ये ना यहाँ हमेशा गरीबों का शोषण होता है। नोएडा छोटी इतने अत्याचार में आ रही है, बुलडोजर को जहाँ चाहे वहाँ ले जाते हैं, जिन लोगों ने मुआवजा नहीं दिलाया, जिन लोगों को जबरदस्ती उन्होंने उनका पैसा ट्रेजरी में डाल दिया, उनकी जमीन पर जबरदस्ती बुलडोजर चला रहे हैं। अभी मगोड़ा गाँव में नोएडा छोटी ने अलॉटमेंट किया 5% का प्लॉट, नोएडा छोटी ने 5% का प्लॉट अलॉट किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज इन लोग ये लोग कल उनके यहाँ सील लगाने पहुंच गए, खुद अलॉटमेंट दे रहे हैं। उस आदमी ने 3 मंजिल मकान भी बना लिया, पर आज वो कह रहे हैं कि अलॉटमेंट गलत हो गई है, इसका दोषी कौन है? कहना कि नोएडा छोटे में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम पैसा चल रहा है, लूट बची हुई है, जो बाहर के लोग आ रखे हैं वो लूटने आ रखे हैं, हम इसके विरोध में हैं। जहाँ जहाँ बुलडोजर चलेगा, हम जहाँ भी हमारा प्रयास रहेगा, बुलडोजर रोकेंगे, बुलडोजर सामने लेटेंगे, पर हम गरीबों का अत्याचार नहीं होने देंगे। ये जो कल जो कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी ने की थी, हमने उस बातचीत करने के लिए जो नोएडा प्राधिकरण के जो जेई लेखपाल थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की हमने कि इसमें आप एक तरफा कार्रवाई कैसे कर रहे हैं, और जो बाकी के बीजेपी नेता ने जो नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर, गौशाला की जमीन पर मकान बना रखा है, तो उस विषय को लेकर उन्होंने आगे अधिकारियों के ऊपर डाल दिया, ऐसा क्यों? सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर आखिर नोएडा प्राधिकरण कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता? देखो, अगर कार्रवाई होनी चाहिए सब पे होनी चाहिए, नोएडा हो के एक तरफा गरीबों पर कार्रवाई करेगी, अगर उठा के देख लो बीजेपी नेताओं को वहाँ बुले जाने का काम नहीं है, क्यों ये डर सकता है कि हमारे वाले हमारे विरोध में? हम ये कहते हैं जहाँ भी अत्याचार हो समाजवादी पार्टी खड़ी है, हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहेगी। और आप पहले भी हमने बहुत जगह बुलडोजर उल्टे ही भेजे, ऐसा नहीं है, हमने चलने नहीं दिया, और आगे भी अन्याय नहीं होने देंगे। सरकार 6 महीने बाद जारी है, नई सरकार बनेगी, हम दोबारा जिन गरीबों का आशीर्वाद चुका उसका दोबारा। कैमरामैन राहुल के साथ संवाददाता राजा, नोएडा।